मसीह भाइयों बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 23 जनवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 2 से 3 और 11 से 14 तक से लिया गया है। एक तंबू खड़ा कर दिया गया था, उसके अगले कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थीं। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था, किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। यह प्रभु की वाणी है। राज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 20 से 21 तक से लिया गया है। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा लेखक अपने पत्र के इस अंश द्वारा हमें यही बताते हैं कि ईसा ने यहूदी महापुरोहितों का अनुकरण नहीं किया जो बकरों और बछड़ों का रक्त चढ़ाते थे, किंतु ईसा ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने रक्त को बहाया है। अतः ईसा का बलिदान ईश्वर के समक्ष सुग्रह्य सिद्ध हुआ और हम सबको पापों से मुक्ति मिली है। और आज के सुसमाचार में बताया गया है कि यीशु के सामने इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि वे उनका सेवा सत्कार करते हुए खुद को भी भूल गए थे। जब उसके भाई बंधुओं और मित्रगणों को उनके शुद्ध बुद्ध खोने की बात पता चली तो वे उन्हें घर ले जाने के लिए आते हैं। प्यारे विश्वासियों, यीशु के प्रेरिताई कार्य अनुपम थे। अपने पिता द्वारा सौंपे गए कार्यों की अनदेखी वे नहीं कर सकते थे। इसके चलते उन्हें तरह तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। जी हाँ, जो ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं उन्हें भी यीशु की तरह कई प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अतः आज के सुसमाचार से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए ईश्वर का कार्य कभी नहीं त्यागें। ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता दें। ईश्वर के वचन तथा उसकी शिक्षाओं को दुनिया में फैलाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहें। अंत में यह भी विचार करें कि जो ख्रिस्तीय ईश्वर की सेवा के लिए अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देते हैं उनके प्रति हमारी सोच कैसी है। हम उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो ईश्वर के संदेश को फैलाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किए हैं।
ईश्वर उन्हें अपनी कृपा दानों से विभूषित करे। आमीन।